अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से सफ़र करते हैं। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं, आली जनाब एक बुज़ुर्ग शायर हैं मेरी इस फहरिस्त में। तिजारत में माया बड़ी चीज़ है, इमारत में पाया बड़ी चीज़ है, मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बुज़ुर्गों का साया बड़ी चीज़ है। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बुज़ुर्गों का साया बड़ी, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं जो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करती। और आज के इस मुशायरे में हमें और आपको बताना है, फजलुर रहमान अंसारी साहब की मौजूदगी में, मोहतरम वसीम ख़ान साहब की, अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब की मौजूदगी में, अख्तर भाई आलम भाई के इस मुशायरे में बताना है कि हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाले लोग हैं, हमारी कौम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाली कौम है। मैं इस वक्त बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आली जनाब घायल कानपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। वसीम भाई घायल कानपुरी साहब गज़ल के बहुत ही बाकमाल शायर हैं। वो किसी का शेर है कि यूं ही चलकर कहां अंदाजे सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तूफ़ान आया है। हमारे घायल कानपुरी साहब गज़ल के बहुत ही बाकमाल शायर हैं और इनकी गज़लें मैं समझता हूँ शहर मुंबई में जितने भी कव्वाल हैं यूसुफ आज़ाद साहब से लेकर के आज के जो मुस्तफ़ा नाजाद तक, तमाम लोगों ने इनकी गज़लें गाई हैं। बहुत ही अच्छे शायर हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं, म्यूज़िक से भी वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी फ़ज़ा में लोग इनको समात करते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है कभी कभी बहक जाया करते हैं, थोड़ा संभाल के सुन लीजिएगा। आलम साहब ने वसीम साहब की मुझे आते ही तारीफ़ किया है, और शायर होने का सबूत देना पड़ेगा, समझे ना। अगर मौजूदा हाल पर शायर शायरी नहीं करता है तो लिख पढ़ करके कहीं से मिला के पढ़ देता है, समझे ना। लेकिन मैं अपने शायर होने की का सबूत दे रहा हूँ शायर मिफ़िर नसीम वसीम साहब के लिए। तवज्जो। न जाने किस बिना पे, न जाने किस बिना पे रूठ करके यार बैठे हैं, न जाने किस बिना आ, 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 न जाने किस बिना पे रूठ करके यार बैठे हैं, तो हम भी तो मनाने के लिए तैयार बैठे। नहीं मिलेगा। अरे आलम निजामी इतनी तारीफ करके सामने तो आ यार, है? चार मिफरे मुझे अभी कहना पड़ा उन्हीं के कलम को लेकर के। न जाने किस बिना पे रूठ करके यार बैठे हैं, तो हम भी तो मनाने के लिए तैयार बैठे हैं, सबब क्या है, तवज्जे, सबब क्या है, हर आदमी की नज़र है शेर, सबब क्या है जो सर नीचे किए सरकार बैठे हैं, यहाँ जितने हैं बैठे आपके बीमार बैठे हैं। अबे ये क्या दे रहा है, वही घुमा फिरा के कर रहा है यार, हटो रखो। घुमा रहा है यार,
भाई हर बार देना नहीं, हम पांच मिसरी गजल में पढ़ देता हूँ और ये आपको बता दूं। अच्छा अच्छा जरूर, ये मकबूल गजलों के आशिक हैं हमारे यहाँ, वाह वाह सुभान अल्लाह। ओ ये गजल मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि यूसुफ आजाद ने इस गजल को पढ़ी है, एच एम बी सी रिकॉर्ड है। और लेकिन कयूम शबा के बारे में कुछ बोलना चाहिए, उसके लिए भी शेर पढ़ना चाहिए ना, है ना, है। और उसके परिवार के लोग सब मुझे जानते हैं, उसकी बच्चियाँ, उसकी लड़कियाँ, और मुझसे ज़्यादा कयूम शबा को कोई नहीं जानता। बर्थडे तो मनाई जा रही, मरण दिन मनाया जा रहा है, 40 साल पहले वो एक ही मैगजीन में हम दोनों काम करते थे, वो अरब गली में। और उसके लिए हमारे निजामी साहब के कहने पाया हूँ, उसका दिल बहुत नाजुक था, इलेक्शन जब लड़ रहा था तो बोले उस्ताद हमारे लिए शेर लिख करके दो, तो हमने शेर लिख के दी। लेकिन चार मिसरे उसके शान में मैं पढ़ रहा हूँ, तवज्जे तवज्जे। ये यूसुफ आजाद का शायर इतनी आसानी से ये लोग लेके आते हैं, समझे ना, तालियों से इस्तकबाल हो। किसका? कयूम शबा का। कयूम शबा का ख्याल था कि दया की भीख सबको डालता था, दया की भीख सबको डालता था, किसी को दर से नहीं टालता था। दया की भीख सबको डालता था और किसी को दर से नहीं टालता था, और हमसे तो एक भी बच्चा नहीं पाला जाता, कयूम लाखों गरीब पालता था। तो गजल में पेशे खिदमत कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिए। याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी जहन से उतरी, जब दिल की गहराई में, याद तुम्हारी जहन से उतरी, जब दिल की गहराई में, अरे याद तुम्हारे ए ए ए, याद तुम्हारी जहन से उतरी, जब दिल की गहराई में, अरे तुम क्या जानो कितना रोया, मैं तन्हाई में, तुम क्या जानो कितना रोया, मैं तन्हा। शेर देखिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, हकीकत के शेर में पढ़ता हूँ। एक गांव शहर और बस्ती बस्ती, आपको ढूंढूं दर दर यूं, हो गांव शहर और बस्ती बस्ती, आपको ढूंढूं दर दर यूं, अरे जैसे सुरों को ढूंढ रही है हर उंगली शहनाई में, जैसे सब सुरों को ढूंढ रही है हर उंगली शहनाई में। ये शेर हम मोहतरमा को पेश नजर कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। हैं ए ताज ताज महल को दाद तुम ही दो, हम उसे ना मांगो क्यों के, ताज महल को दाद तुम ही दो,
हम उसे ना मांगो क्योंकि अरे ताज महल देखे हैं लाखों, एक तेरी अंगड़ाई में ताज महल देखे हैं लाखों, एक तेरी ये शेर देखेगा, ये लाख लगाए पाबंदिए तुझ पे जमाना फिक्र न कर, लाख लगाए लाख लगाए पाबंदिए तुझ पे जमाना फिक्र न कर, बन कर चांद उतर आऊंगा मैं तेरी अंगनाई में, बन कर चांद उतर आऊंगा मैं तेरी अंगनाई। मक्ते का शेर है, ये खेल मोहब्बत का ना खेलो दुनिया के बाजारों में, अर वरना घायल हो जाओगे तुम भी हाथापाई में, वरना घायल हो जाओगे तुम भी हाथापाई में। सलाम अलैकुम।